तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए और ये जो वीडियो है ना ये आप सभी लोगों के डिमांड पर ही मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सही तरीके से अपना सर्कल और डिविजन को चूज नहीं कर पा रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी कैटेगरी में सबसे बेस्ट सर्कल या डिवीजन जो है आपको कैसे निकालना है किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि मेरी में, कौन से डिवीजन से, कौन से सर्कल से मुझे इसलिए कह रहा हूं कि गवर्नमेंट तो जॉब के मोर अपडेट के लिए तो दोस्तों आइए बिना समय करते हैं बात कर रहा हूं जीडेस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में चौवालीस पदों पर यह भर्ती निकाली गई है जिसमें डाक सेवक के पद जो है शामिल है इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी आल इंडिया के पास मेल और फीमेल इसमें कर सकते है साथ में इसमें में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको तीन साल और एससी एस टी के जो कैंडिडेट हैं उनको पांच साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहां पर दस साल का एज में रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलेगा फीस कितना लगता है इसमें तो देखिए इस वक्त जो है इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है और फीस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल उसके अलावा OBC, या फिर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर सौ रुपए लगेगा आपका उसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हो जैसे एस सी या फिर पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट से तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा बिल्कुल निशुल्क आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है देखिए इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है दसवीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है ठीक है ना ये सारी चीजें आप सभी लोगों को मालूम होगी उसके अलावा अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 5 अगस्त 2024 लास्ट डेट होने वाला है तो आज तारीख है स जुलाई दोस्तों अभी आपके पास मात्र छह दिन बचे हैं और मैं आपको बता रहा हूं अभी तक अगर आपने जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट के दो दिन में क्या होगा कि सर्वर इतना स्लो हो जाएगा ना सर्वर इतना स्लो हो जाएगा कि आप चाह करके भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे या फिर अगर अप्लाई करोगे तो आपका पेमेंट नहीं कट पाएगा इसलिए एक से दो दिन के अंदर आपको जीडीएस की इस नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर देना है देखिए बहुत सारे बच्चों को यहां पर यह नहीं पता है कि सर ये बताइए

लोग को नहीं मालूम है ना तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप सभी, लो, सभी मार्कशीट में होना चाहिए ठीक है ना आइए आगे, आगे बढ़ते हैं देखिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास कंप्यूटर का तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आपसे यहां पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए और देखिए अगर नहीं भी है ना बेसिक जानकारी तो यार आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा बाद में आप लोग बेसिक जानकारी कंप्यूटर का ले सकते हो ठीक है ना लेकिन यहां पर देखिए एक चीज कंपल्सरी बताया गया है कि दसवीं के जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसमें आपका मैथ और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कंपल्सरी होना चाहिए तभी जा करके आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और देखिए एक बात यहाँ पर और मैं बताना चाहता हूँ जो हिंदी राज्य का स्टूडेंट है ना वो अगर चाहता है कि मैं गुजरात से फॉर्म को अप्लाई कर दूँ तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज जो है गुजराती बोला जाता है अगर आप यूपी से हो और आप चाह रहे हो कि मैं महाराष्ट्र से फॉर्म को अप्लाई कर दो उड़ीसा से फॉर्म को अप्लाई कर दूँ तो आप वहां से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज मराठी बोली जाती है और उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज उड़िया है ठीक है ना तो अगर आप यूपी हो बिहार हो या फिर झारखंड मध्य प्रदेश इधर हिंदी राज्य के स्टूडेंट हो तो आप इन्हीं सभी स्टेट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर यह बताइए कि आपकी कैटेगरी में सबसे बेस्ट सर्किल या फिर डिवीजन कौन सा है कैसे निकालेंगे मुझे कहां से अप्लाई करना चाहिए तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा होंगी ठीक है ना कोशिश कीजिएगा जहां पर सबसे ज्यादा सीटें होंगी आपकी कैटेगरी वहां से आप सभी लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए अब यह कैसे पता लगेगा कि किस सर्कल में किस डिवीजन में मेरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टोटल फीटे हैं तो सबसे पहले ये डायग्राम के माध्यम से मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके बाद मैं आपको जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले जाऊंगा ठीक है ना तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कि एक सर्कल जो है सिलेक्ट करते हो जिस भी सर्कल को जिस भी सर्कल से आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और एक सर्कल के अंतर्गत क्या होता है कि काफी सारे डिवीजन होते हैं दोस्तों और डिवीजन के अंतर्गत जो है काफी सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं तो देखिए जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो दैट जैसे कि किसी भी जैसे कि 12 बंकी डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और वहां पर एक सौ पचास सीटें एक सौ पचास सीटें हैं तो, है, तो इसमें इसमें सभी कैटेगरी शामिल है जनरल और कैंडिडेट के सारी सीटें शामिल है तब जाकर के ये सीटें हैं लेकिन अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको ये देखना है कि मेरे ओबीसी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीट पर वैकेंसी है और देखिए पता चले कि अगर आप ओबीसी कैटेगर

तो दोस्तों ये हम आ गए हैं जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको ये जानना है कि आपकी कैटेगरी में सबसे बेस्ट सर्कल या फिर सबसे बेस्ट डिवीज़न कौन सा है जहाँ से आपको जी की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जिस डिवीज़न में आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ़ टोटल फीटें सबसे ज़्यादा होंगी वो डिवीज़न आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है जहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा होगा और जहाँ पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ़ टोटल फीटें सबसे कम है वहाँ से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि वहां पर आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए पर आपको कई सारे अलग अलग प्रकार के सर्कल दिख रहे होंगे मैं आपको एक सर्कल का एग्जाम्पल देता हूं जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं तो सिंपली उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने देखिए कई सारे अलग अलग प्रकार के डिवीजन यहां पर दिख पा रहे होंगे जैसे आगरा डिवीजन हो गया इटावा हो गया लखनऊ हो गया बलिया हो गया बांदा हो गया रायबरेली हो गया बाराबंकी

वाला जो है बटन आ गया है कीबोर्ड आ गया है आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिंपली डाल देना है तो जैसे अगर आप ओ कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर ओ बी पर सिंपली क्लिक कर लोगे ठीक है ना सिंपली जैसे ही ओ क्लिक करोगे देखिए ओ का जितने भी सीटें हैं वो यहाँ पर हाईलाइटेड हो गया है देखिए यहाँ पर एक सीट जो है हाईलाइटेड हो गया है तो इस प्रकार से यहाँ पर आप गिन सकते हो एक सीट हो गया उसके अलावा ये दूसरा सीट हो गया तीन चार उसके अलावा पाँच छः सात उसके अलावा और नीचे स्क्रॉल करते हैं आठ नौ दस ग्यारह बारह यानी कि आगरा डिवीज़न की अगर मैं बात करूंगा ना तो ओबीसी में ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल यहां पर बारह सीटें हैं ओबीसी का तो अगर आपको लगता है कि नहीं बारह सीटें तो बहुत कम है मुझे यहां से अप्लाई नहीं करना चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है आपको बैक आ जाना है ठीक है ना बैक आ जाना है और दूसरे डिवीजन को ट्राई करना है ठीक है ना उत्तर प्रदेश में आपको दूसरे डिवीजन में ट्राई करना है बहुत सारे डिवीजन है उसमें आपको देखना है ठीक है ना जरूरी नहीं है कि एक ही डिवीजन या फिर एक ही सर्कल से आपको फॉर्म अप्लाई करना है यहां पर सिलेक्ट डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा सपोज दैट अगर ऑप्शन तो तो पूरा ओपन होकर आ चुका है यहां पर देखिए तो यहां पर टोटल जो है यहां पर सिक्सटी सीटें हैं यानी कि चौसठ सीटें हैं तो अब आपको ये देखना है कि ओबीसी कैटेगरी में कितने टोटल सीटें हैं तो आपको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना है उसके अलावा फाइंड इन पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर अपनी कैटेगरी को आपको टाइप कर देना है जैसे ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए हाईलाइटेड हो जाएगा आपकी जो कैटेगरी है यहां पर हाईलाइटेड हो जाएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं इसे आप सभी लोग गिन भी सकते हो जैसे यहां पर ओबीसी की कितनी सीटें हैं ये देख लेते हैं तो एक सीटें ये हो गया उसके अलावा ये दो हो गया उसके अलावा थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो यहां पर सोलह सीटें हैं देखिए ओबीसी की अगर यहां पर मैं बात करूंगा तो यहां पर टोटल सोलह सीटें हैं लेकिन आगरा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर टोटल बारह सीटें थी ओ कैटेगरी वालों के लिए ठीक है ना तो आपको कहां से अप्लाई करना है आपको बारह बंद के डिवीजन से अप्लाई करना है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है ज्यादा है यहां पर सिलेक्शन के चांसेस आपका ज्यादा रहेगा इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जिस भी सर्कल का आपको देखना है आपको जिस भी डिवीजन का आपको देखना है यहां पर बारी बारी करके आप जो है अलग अलग का यहां पर ट्राई कर सकते हो जैसे कि अगर मान लीजिए कि राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में भी कई सारे अलग अलग प्रकार के डिवीजन है ठीक है ना मुझे यहां पर चेक करना है कि अजमेर डिवीजन में कितने आ, कितने सीट हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं तो अजमेर पर हम लोग व्यू पोस्ट कर देंगे जैसे इस पर सिंपली करेंगे और यहां पर जो है नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले ये देख लेंगे अजमेर में कितनी सीटें हैं तो अजमेर में यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि टोटल जो है फोर्टी सीटें हैं अब यहां पर आपको ये देखना है कि मेरी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं यानी

चार पाँच उसके अलावा यहाँ पर देखिए पाँच ही सीट है मतलब अजमेर डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा तो एससी कैटेगरी का जो भी बंदा है अगर अजमेर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर रहा है ना तो एससी में मात्र यहाँ पर पाँच सीटें हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है इस वजह से यहाँ पर सिलेक्शन के चांस कम हो गए जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा हैं आपकी कैटेगरी में वहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए ठीक है ना आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं

से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 80 परसेंट प्लस मार्क्स ना तो आपको की में को अप्लाई कर देना चाहिए मेघालय का नागालैंड का, का, तो काफी और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फिफ्टी फाइव परसेंट में भी सिलेक्शन होता है तो अगर आपके कम परसेंटेज है तो आप नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो कोशिश यह कीजिएगा कि उस डिजन को सिलेक्ट कीजिएगा जहां पर हिंदी बोला जाता है अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो तो और अगर आप हिंदी भाषी एरियाज में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो लोकल में अपने सर्कल में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो यह मान के चलिए कि एट्टी से ऊपर अगर आपके दसवीं में परसेंटेज होंगे तब जाकर के आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है और एक बात और बताना चाहूंगा अगर आप रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो जैसे कि एस हो गया एस हो गया उसके अलावा पीडब्ल्यू कैंडिडेट वालों को यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो देखिए दोस्तों इस अपडेट के रिगार्डिंग में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है वहां पर जाकर के आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वहाँ पर जाकर के भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो मैं आपको रिप्लाई दूंगा बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद